सो फाइनली गाइस यहां पर पोको लॉन्चर का एक और न्यू अपडेट आ चुका है। क्या नया इस अपडेट में देखने के लिए मिलता है, क्या नेविगेशन बार देखने के लिए मिलता भी है या फिर नहीं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो ये कौन सा नेविगेशन बार है, इसके बारे में भी आपको यहां पर बताऊंगा। फिलहाल यहां पर बात करते हैं पोको लॉन्चर के एक न्यू अपडेट के बारे में और यहां पर सभी पोको डिवाइस में ये नेविगेशन बार कब तक देखने के लिए मिल जाएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर पोको का डिवाइस अगर आप लोग यूज करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। यहाँ पर गाइज अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पोको लॉन्चर के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेटेस्ट बिल्ड नंबर आया है पोको लॉन्चर का, जिसका बिल्ड नंबर है 2.20.1.33। जी हाँ गाइज, यहाँ पर ये लेटेस्ट बिल्ड नंबर है पोको लॉन्चर का और यहाँ पर इसमें नया क्या देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप लोग पहले देख सकते हो टेलीग्राम चैनल है मेरा, अगर आप लोग ने इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन करके रख लेना, फ्यूचर में सभी की लिंक्स वगैरह APK वगैरह सबको सभी की अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहेगी, इसकी न्यूज़ भी आपको हमेशा वहाँ पर देखने के लिए मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ये पोको लॉन्चर का न्यू अपडेट है, इसमें आप लोग देख सकते हो न्यू बेटा पोको लॉन्चर। जी हाँ गाइज, यहाँ पर बेटा अपडेट से यहाँ पर आपको न्यू फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं। वी फिक्स सम बग्स इन द वर्जन, यानी कि यहाँ पर छोटे मोटे बग्स है उनको यहाँ पर फिक्स किया गया है और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव द फ्लुएंसी, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है इस पोको लॉन्चर में। यहाँ पर आप लोग बता दूँ मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस में, मेरे पास है पोको X3 का डिवाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्मूथ है ये पोको लॉन्चर। लेकिन गाइज यहाँ पर ये पोको लॉन्चर का जो APK मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोग के पास पोको का कोई भी डिवाइस है तो आप लोग सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर ये चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी यूज़र के कमेंट्स आ रहे थे पोको 3.0 कब मिलेगा, उसके लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस पोको लॉन्चर में क्या आपको नेविगेशन बार देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, और यहाँ पर ये नेविगेशन बार सभी के पोको के डिवाइस में कब तक देखने के लिए मिल सकता है, आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर ये नेविगेशन बार पोको लॉन्चर में देखने के लिए नहीं मिलता है। पोको X3 में अभी तक कोई भी नेविगेशन बार देखने के लिए नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये मेरे डिवाइस में कैसे आया, तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ पोको के डिवाइस में, हालांकि पोको X2 का डिवाइस हो गया उसमें नेविगेशन बार देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गाइस वहाँ पर उसे एंड्रॉयड 11 का अपडेट रोल आउट हो चुका है। जी गाइस, यहाँ पर जितने भी पोको के डिवाइस है फ्यूचर में सभी के डिवाइस में आप लोग को नेविगेशन बार देखने के लिए मिलेगा जब यहाँ पर आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, कि यहाँ पर ये इससे पहले पोको के डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता था, बट यहाँ पर एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद सभी के पोको के डिवाइस में आप लोग को नेविगेशन बार देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा, जैसे आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 11 अपडेट आएगा तो आप लोग को ये सारे फीचर्स जैसे नेविगेशन बार वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए जो नेविगेशन बार है यहाँ पर मेरे डिवाइस में एंड्रॉयड 11 अपडेट नहीं आया, मेरा पोको X3 का डिवाइस है, बट गाइज यहाँ पर मैंने इसको मैन्युअली तरीके से इंस्टॉल किया है, यानी कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है तो उसको मैंने मैन्युअली तरीके से इंस्टॉल किया है, तो उसकी मदद से मैंने इसको यहाँ पर इसे सेट किया नेविगेशन बार को। वैसे गाइज यहाँ पर ये जो नेविगेशन बार है ठीक ठाक वर्क करता है, यहाँ पर कोई ज़्यादा भी इंप्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल तरीके से नेविगेशन बार है वो तो आपको एंड्रॉयड 11 अपडेट में ही देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल के लिए गाइज यहाँ पर पोको लॉन्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट बिल्ड नंबर का अपडेट था, इसके अलावा नेविगेशन बार आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है पोको के डिवाइस में वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, इसके अलावा आप लोग जैसे कि देख सकते हो टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करके रख लेना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब भी का उसको प्रेस कर दो, फ्री में होता है। इस वीडियो में इतना मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।